नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज से हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा लाइफ चेंजिंग टिप्स, कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, भले वो एजुकेशन हो, एक नॉर्मल सिटीजन्स हो, हमारे ये नागरिक हो, या कुछ भी भला काम जो है, ये इस सीरीज़ में हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला जो बहुत मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं, या जो भी बात होता है, या हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे तो इसमें बहुत एक बड़ी रोल आता है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो देखना सब जो नींद आ है आपको उसी टाइम पढ़ने के टाइम लगता है, लेकिन जब आप दूसरे कुछ काम करते हो या आप बिना पढ़ते हो कुछ दूसरा कुछ करते हो, लेकिन आपको उस टाइम नींद नहीं आता है, जबकि आपको बहुत नींद आता है जब आप पढ़ने बैठते हो और सो भी जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, साइंटिफिक में हम लोग नहीं जाएंगे क्या होता है, कैसे लैक्टिक एसिड जो है, हम लोग जब रेस्ट करते हैं लैक्टिक एसिड होता है, ऑक्सीजन, ये सब हम लोग जो है जार्गन्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या करना हो ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक तो रहेंगे यार, वो साइंस तो बोलते रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग को क्या करना चाहिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज अ स्टूडेंट क्या हम लोग को करना चाहिए। तो देखो, जो बेसिकली मैं भी करता था, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं रात 3-3-4 बजे तक जो है सुबह तक मैं पढ़ता, क्योंकि मैं सुबह उठने के आदी नहीं हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाता था, तो मैं रात को जो है 9-10 बजे खा के जो पढ़ने बैठ जाता था, और रात 3-4 बजे तक सुबह तक मैं पढ़ता रहता था। तो कैसे मैंने वो अचीव किया वो टेक्निक्स मैं बताऊँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैठ के पढ़ो, ठीक है, आपको कहीं पे लेट के सो के नहीं पढ़ना है। आप कहीं पे लेट के सो के पढ़ोगे तो आपको नींद आना ही है गाइस, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। कहीं पे भी टेबल ले लो, चेयर ले लो, कहीं पे भी जो है आप वही जो है सिटिंग पोजीशन में आप अपना पढ़ाई करो, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है उस टाइम मैंने एक टेबल चेयर अपने पैसे से ट्यूशन करा के जो मुझे इनकम होता था उसमें मैं, मुझे अभी भी उस टाइम मैंने 700 रुपीज़ दिया था एक दोस्त के पास, वो भी रिकरिंग बेसिस में, हर महीना उसको 100-100 रुपया का कर देता था। उसमें मैंने एकदम जो ख़राब लकड़ी वाला जो एकदम होता है ना, जो एकदम ख़राब हो जाता है कुछ दिन, मैंने तो वो मैं जो है टेबल चेयर एक करके मैं उसमें पढ़ाई करता था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो है सिटिंग पोजिशन में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो सबसे बड़ी बात है, आप कुछ देर पढ़ने के बाद जो है ना ऑटोमेटिक आपका जो है नींद आना, आप पढ़ोगे पढ़ोगे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो थ्योरी पढ़ रहे हो, क्या होता है ना धीरे धीरे दिमाग जो है थक जाता है, आपको नींद आना आता है। तो उसमें क्या करो, आप कुछ भी नोट्स बनाओ, कुछ लिखो, कहीं पे भी कुछ भी लिखो, जैसे आप पढ़ रहे हो रात को, शायद जीके पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, आप उसको थोड़ा सा, भले आप कुछ भी लिख लो लेकिन लिखो, डेफिनेटली आप थोड़ा सा लिखो, ठीक है, कुछ भी नोट्स लिख लो, कहीं पे भी कुछ लिख लो। इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, आपका दिमाग सोचेगा, आपको नींद नहीं आएगा, आपको बॉडी मूवमेंट होगा, क्योंकि बॉडी एकदम कंस्टेंट आप बैठ के पढ़ रहे हो, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है, धीरे 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 आपके दिमाग जो है लगेगा उसको, उसको जो इंस्ट्रक्शन जाएगा, अरे इसका तो सोने का जो है ये आ गया, तो वो आप नहीं करो। आप कुछ भी 10-15 मिनट जब आपको थोड़ा सा स्लिपी लगे आप थोड़ा सा लिखो, प्रैक्टिस करो, कहीं कुछ भी लिख लो, थोड़ा सा नोट्स लिया, आपने कुछ पढ़ लिया, चलो मैंने थोड़ा सा लिख लेता, तो ये मैं बहुत करता था, कॉपी पेन एकदम साइड में रख देता था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कभी जो मैं करता हूँ बेसिकली, बहुत सारे जो है वो आप चाय प्रेफर नहीं कर सकते, तो आज के डेट में ग्रीन टी पी सकते हो, बहुत फ़ायदा है। लीकर, दार्जिलिंग, मैं यूजुअली जो है उस टाइम लीकर पीता था, आप अभी तो दार्जिलिंग टी पीता हूँ, लेकिन आप जो है कुछ भी टी, लीकर, दूध वाला, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं, गर्म पानी पी सकते हो, गर्म दूध पी सकते हो, गर्म पानी, इससे बॉडी में जो है हीट जनरेट हो रहा है, उसमें आपकी जो है दिमाग जो है नींद आपको नहीं आएगा, तो ये बहुत इफेक्टिव है। क्या कर दो, चाय भी नहीं पीते हो, अगर चाय पीते हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आप अलग से करके चाय पियो, कॉफ़ी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म दूध पियो, कुछ भी हो, थोड़ा सा इंटरवल में आधा घंटे 1 घंटे में ब्रेक लो, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके जो है आप इसको कर सकते हो, बहुत मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, बैठे बैठे आप थोड़ा सा हो जाता है तो कुछ नहीं, उसी में बैठ कर थोड़ा स्ट्रेच कर लो, या थोड़ा सा उठ के जो है थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, हाथ इधर उधर कर लिया, इससे क्या हो ना ब्रेन को मैसेज मिलता रही, अभी सोया नहीं बंदा, इसको भी पढ़ना है, तो एक्सरसाइज कर लोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है आपकी ब्रेन रीड कर लेगी, और आप जो है वो ऑटोमेटिक आपके मैसेज आ जाएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लोगे, बॉडी मूवमेंट हो जाएगा, तो नींद जो है वो आपकी गायब हो जाएगा। आप बैठ के ही करो, इतना नहीं आपको जो उठने ही हैं, आप बैठ के थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, हाथ इधर उधर कर लिया, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हो रहा है बहुत देर से बैठे हो, थोड़ा वॉक करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप थोड़ा सा वॉकिंग किए, पढ़ाई किए, 10-15 मिनट जो है वॉकिंग करते करते पढ़ाई किए, फिर बैठ जाओ, फिर अगर थोड़ा सा लगे तो थोड़ा सा उठ जाओ, वॉकिंग करो, फिर जो है आप बैठ जाओ, तो ये बहुत आपको
फ़ायदा देता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है गाइस ये सब, आप इसको फॉलो करोगे तो ज़रूर आप लंबे टाइम तक, देखो मैं ये करके रात 3-4 बजे तक आराम से पढ़ता था, ये आपको ज़रूर कुछ कुछ चीज़ें जो है और आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ है देखो, डेफिनेटली बेड से थोड़ा दूर रहो, कभी कभी होता है बेड के सामने हो तो ऑटोमेटिक आपको बुलाता, अरे चलो सो जाते हैं कल कर लेंगे, ये नहीं करना है। थोड़ा सा बेड से दूर से रहो, बेड में मत पढ़ो, जितना हो टेबल में पढ़ो। ये टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे ना तो देखना एकदम आप जो है लंबे आवर्स तक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे पहले अगर आपकी पैशन हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैशन लाओ अपने जो भी हो उसको, सिर्फ अपना बोझ मत समझो। ये नहीं मुझे एग्ज़ाम करना है या मेरे फैमिली ने बोला, कोई मेरा दोस्त जो है उसको नौकरी लग गया है तो मुझे भी करना है, ये नहीं करना है। आपको जो है पढ़ना है, आपको मोटिव होना है, आपकी खुद की इच्छा होनी है, आपकी पैशन होनी है, तो देखना नींद कभी आएगी नहीं। और कभी आ भी गई तो ये टेक्निक लगा लेना यार, एकदम आप जो है पढ़ पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय। ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है ये जो मैं नया सीरीज चलाया हूँ आपको कैसा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो ज़रूर कॉमेंट करना, लाइक करना, मोटिवेट करना। बाय बाय।